होटल के होटल में एक दोस्त ने अपने दोस्त को घर बुलाकर गोली मार दी। घटना न्यू तिहा पट्टी की है, जहां जांग पर गोली लगने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल गौतम की माने तो वो दिल्ली में पढ़ाई करता है और दिवाली के त्योहार पर वो घर आया हुआ था। दिन के समय उसके दोस्त दीपक ने फोन करके उसे अपने घर पर बुलाया और छत पर ले जाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने का बहाना बनाया और फिर कट्टा लेकर आया और सीधा जांग में गोली मार दी। गौतम, जो गोली लगी आपके पैर में, कैसे लगी, क्या मामला है? ऐसा जी, वो सुबह ले गए, वो बैठा तो मतलब 4 बजे से ही, तो वो वहाँ घर पर ले गए, तो घर पर ले जाने के बाद वहाँ नहीं, मैं नीचे थे पेप्सी वगैरह लेके आ रहा हूँ, तो ऊपर तो ना क्या बंदूक वगैरह लेके आया हो, तो मैंने पैर के साइड निशान लगा के फिर गोली चला दी मैंने एक साथ ही, तो थोड़ी बहुत देर के लिए मैं बेहोश होगा, फिर मैं खाट पर लौटूंगा। फिर वो लेके गए हॉस्पिटल में, पहले वहाँ पर ले गए बंसल में, तो बंसल वाले ने मना कर दी, तो फिर बाके बाद भैया के यार दोस्त वगैरह बुलाए उन्होंने, तो जाने गोली मारी, वो तो चले गए, वो तो भेज दियो दीपक, तो वो तो भेज दियो घर, तो बाकी यार दोस्त मुँह वहाँ ले गए हमें किशन सिंह हॉस्पिटल में। किशन सिंह में हॉस्पिटल में ले जाने के बाद फिर उन्होंने पट्टी वगैरह करी, तो उन्होंने बोली कि सरकारी हॉस्पिटल में आ जाइए, फिर यहाँ ने पट्टी वगैरह कर दी। किस बात को लेकर बोली? पहले तो कोई खुंद वुंद ही नहीं, तो वो मैं यहाँ रह बैठा हूँ, मैं दिल्ली पढ़े हूँ, तो यहाँ तो हार पे आया मैं, तो वो लेके गए मुँह बैठा के, तो यही बात ही। अच्छा, मतलब घर बुला कर बोली? हाँ, छत पर घर बुला कर। हाँ, कितने लोग थे वो? तो जाने गोली मारी जब, तो हम 2 जने ही हैं, तो वो और आगे फिर बालक वगैरह। आपके जांग में गोली मारी? हाँ, जांग में यहाँ पे एक गोली। हाँ, एक गोली। हैरानी की बात तो ये रही कि गौतम की गोली मारने के बाद खुद दीपक ने ही उसे अस्पताल पहुंचाया, उसे भर्ती कराया और फिर वहां से फरार हो गया। उधर घायल गौतम की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। गोली लगने का मामला आपके अस्पताल में क्या मामला है और कैसी हालत? ये फिलहाल तो ठीक है, स्टेबल है अभी वाइटल्स, बाकी इनके आगे इलाज के लिए हम आगे हायर सेंटर भेजेंगे, बाकी इनका मेडिकल के लिए जो हमने कागज बनाने होते हैं वो बना के फर्स्ट एड दे दिया है, उसके बाद हम इसको आगे बड़े सेंटर पर भेजेंगे। तो गोली जांग में लगी? इसके पैर में, हाथ में कुछ जैसे छर्रा बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो वो दाने दाने से लगे हुए हैं, तो उसके लिए हम लैब के लिए जांच भेजेंगे, तो कंफर्म हमें लैब के बाद होगा। तो हालत वैसे? हालत मरीज की ठीक है फिलहाल। दीपक ने अपने ही दोस्त को गोली क्यों मारी, इसकी वजह खुद घायल गौतम को भी मालूम नहीं है। हालांकि ये पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने भी चुप्पी साध रखी है, लेकिन जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस जरूर कर रही है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।